हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस, आज संडे है। आज वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, जल्दी तो नहीं मतलब 10 बजे के करीब मैं उठी होंगी, बट उसके बाद मैं बिस्तर में थी क्योंकि आज बाहर मौसम भी थोड़ा सा खराब है। धूप, धुंधली धूप है, मतलब बादल भी है। तो अभी मेरा सारा काम करने को, अभी देखो मैं सो के ही उठी हूँ, अभी कुछ भी मतलब बिस्तर में ही मैं पड़ी हुई थी। और अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। एंड गाइस, अभी 12:44 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, और मुझे अभी यही समझ नहीं आ रहा है कि आज हम लंच में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या मैं बनाऊं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊं, तो अभी मैं देखती हूँ कि कुछ क्या करना है, क्योंकि अभी मेरे को सफाई करने को भी है, झाड़ू देने को भी है, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा काम भी कर रही थी। सो देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे आगे। ये देखो गाइस, ये मेरी बहन जिसने फोन बिल्कुल छोड़ दिया भाई, सुबह से लेटी पड़ी है। और ये देखो आप, ये इसके हालत है, इसने अपने बेड का क्या बनाया है, कचूमर। ये देखो इसको भाई, इसने ना बेड पे सब कुछ चीजें रखनी है, सारी चीजें, किताबें, कूड़ा, थाली अपनी। ये देखो गाइस कितनी आलसी, अपनी थाली भी यही रखी है। ये देखो इसको, सबका यही हाल है इसमें क्या है। सो गाइस, फाइनली 1:35 हो चुके हैं और अभी मैं और आंचल फ्री हुए। मैंने झाड़ू दिया या उसने कुछ और काम किया, दोनों ने हम मिलके कुछ कुछ काम किया और किचन भी साफ करी। अब हम लंच में जो खाने जा रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि लंच ऐसे कौन करता है यार, पर उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताऊंगी। बने रहिए व्लॉग में, आपको मज़ा आने वाला है गाइज। बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये देखिए हमारा लंच हो गया है तैयार। और आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे, यार लंच में ये सब कौन खाता है, लेकिन हम खाते हैं। इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है मैं आपको अभी बताती हूँ, पर आपको मैं पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ब्रेड है और हमारे पास जैम है और चाय है और एक चीज़ और आ रही है। और ये देखो लास्ट में हमारे पास मैगी भी है। जब सब मीठा हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे, मैगी खाएंगे। ये देखो गाइस, ये आंचल है और ये छुप रही है यहाँ पे। सो गाइस, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग ये क्यों खा रहे हैं और लंच में ऐसा कौन खाता है। पहली तो चीज़, हम लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पाए थे बिकॉज हम उठे ही बहुत लेट थे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम दाल चावल खा के पक गए हैं गाइस बिल्कुल। तो आज हमने सोचा कि इवनिंग में, तो हमने शाम में हमने डिनर के लिए तो सब्जी और फुलके बनाने हैं, तो अगर हम कोई दाल बनाते या कुछ भी, क्योंकि शाम का कुछ बचा हुआ नहीं था जो हम अभी खा सकते थे। सो अगर हम अभी दाल बनाते या चावल बनाते तो वो वेस्ट हो जाता, फिर शाम को हमारे को वही खाना पड़ता क्योंकि हम तो दो ही होते हैं। तो हमने सोचा कि वेस्ट ना हो खाना, इसलिए हम ये हल्का फुल्का भी खा लेते हैं और शाम में सब्जी फुलके खाएंगे। सो आपको हमारा लंच कैसा लगा, और क्या कभी आप लोग भी ऐसा लंच करते हो, वो भी तब जब आपका संडे है और आप घर पे हो? तो अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम यम यमी चीज़ें खा लेते हैं अपनी। सो गाइज़, ये देखो मैंने किस तरह से इसमें सॉ जैम लगाया और ये बहुत यमी लग रहा था गाइज, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखो, और मैं इसको खाऊंगी। ये देखो, वाव, डबल वो करके ब्रेड, और उफ कितना यमी है, टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है गाइज। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको खा खा के। सो गाइज, फाइनली हम खाना खुना खा के फ्री हो चुके हैं। और ये देखो, ये इसको क्या लगी है करने, ये देखो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती रहती है। और अब ना मुझे गई, मुझे ज़बरदस्त नींद आ रही है, सच बोलूँ तो इतनी नींद आ रही है, पूछो मत। और बाहर ना मौसम भी वैसा ही है थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ घड़ी सो जाती हूँ। सो गाइस, ये आपने देखा मौसम कैसा है, ठंडा मौसम है बिल्कुल, बाहर बहुत ठंड है। अभी मैं थोड़ा बाहर को ही आई थी मौसम देखने, मुझे लगा कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मौसम का क्या हाल है। और मुझे ना गाइस बालों में चंपी भी करवानी थी, मतलब ऑयलिंग की चंपिंग करवानी थी। अभी सिस्टर तो करेगी नहीं, तो मैं ऊपर पहले एक बार भैया को जाके देखती हूँ, जो पार्लर वाले भैया जिनसे मैं थ्रेडिंग एंड ऑल करवाती हूँ, अगर वो होंगे तो उनसे मैं चंपिंग करवा देती हूँ। चलो चलते हैं ऊपर की ओर। सो गाइस, ये देखो मैं आ गई थी यहाँ पे भैया की शॉप में, बट भैया यहाँ है नहीं, यहाँ बैठे थे प्यारे प्यारे बच्चे। हेलो ब्रो,
आप वेट कर रहे हो? जी अच्छा, सो गाइस अभी तो यहाँ पे भैया है नहीं क्योंकि वो गए हैं लंच करने। अभी उनका लंच टाइम है। यहाँ देखो पीछे वेट भी कर रहे हैं बच्चे लोग, और मुझे भी जंपिंग करवानी थी। सो देखती हूँ मैं, जब तक भैया आते भैया का वेट कर लेते हैं। सो गाइस भैया तो थे नहीं, बट मेरे पड़ोस में या मतलब यहीं से मैं सामान लेती हूँ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी मेरे को लेना होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना बर्तन भी है गाइस, अगर कोई यहाँ शिमला में विकास नगर में नियर बाय है तो बढ़िया ले सकता है आप यहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, यहाँ पे आई थी मैं कुछ सामान लेने, बट मेरा सामान है नहीं, बट चलो कोई ना। ओफो गाइस, ओ नो, भैया तो है नहीं क्योंकि भैया गए थे लंच करने, तो मुझे लगा मैं वहाँ क्या ही वेट करूँ। तो कोई बात नहीं, मैं आपको भैया से थोड़ी टाइम बाद मिलाऊंगी। अभी वो लंच करने गए होंगे, जब लंच करके आएंगे फिर हम भैया से मिलेंगे, फिर देखते हैं। फिर मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे जंपिंग भी करवानी थी, वैसे मेरी थ्रेडिंग भी आ गया गाइस ये देखो। पर देखते हैं, जब भैया आएंगे फिर मिलेंगे उनसे। सो गाइस अभी रूम में आ गई हूँ मैं वापस। मैंने भैया को अभी कॉल भी करा था कि भैया आप पार्लर में हो या नहीं, तो भैया अभी आ गए हैं लंच करके, तो वो मुझे कॉल कर लेंगे। फिर चलेंगे हम भैया के पास, फिर मैं अपने बालों में चंपिंग देखती हूँ, चंपिंग भी करवाऊंगी देखती हूँ, बाकी मेरे को थ्रेडिंग भी करवानी थी। सो देखते हैं क्या होता है फिर वहां जाके। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 5, शॉप जाना तो दूर की बात। मैं उस टाइम पे मुझे लगा कि भैया फ़ोन करेंगे और मैं ये घड़िया से बिस्तर में लेट जाती हूँ, और मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई बहुत ज़बरदस्त सी। अभी 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 मेरी नींद खुली है। सो अब देखती हूँ गाइस, अभी मुझे चैम्पिंग करवानी तो है बालों में, अभी चलते हैं भैया के पास। सो गाइस देखो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको भैया की शॉप, ये देखो। ये देखो गाइस मैं बैठ गई हूँ अब जंपिंग करवाने अपने बालों में। पहले मैं बालों में जंपिंग करवा देती हूँ, थ्रेडिंग का फिर सोचूंगी, क्योंकि अभी मुझसे कुछ से होनी नहीं थी। और भैया काफी अच्छी करते हैं ताकि सुबह मैं धो सकूँ अपने बालों को, ये ऑयलिंग करके फिर ऐसे होंगे, मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। सो गाइज मैंने अपनी चंपिंग करवा दी थी, उसके बाद आए थे यहाँ पे एक दी, ये करवा रहे थे अपनी थ्रेडिंग। तो मैंने भैया को बोला कि चलो पहले इनकी थ्रेडिंग कर लो फिर मेरी थ्रेडिंग कर लेना। और यहाँ देखो मैं, मज़ा आ रहा था साथ में, लैपटॉप में इतने अच्छे गाने लगे थे। और ये है वो भैया जिनके पास मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ और चंपिंग एंड ऑल करवाती हूँ, तो बहुत मज़ेदार करते हैं, बहुत मज़ा आता है गाइज। सो गाइज फाइनली मैं चंपिंग करके आ गई हूँ। ये देखो मैंने बालों में तेल ऑयलिंग करवाई है, क्योंकि मैं खुद नहीं करवा रही थी तो इसलिए मैंने भैया से ऑयलिंग करवाई है। और इतनी ज़बरदस्त ऑयलिंग करी है ना गाइस, पूरा स्ट्रेस पूरा सारी थकान मेरी निकल गई। और मैंने थ्रेडिंग करवाई है, सो मेरी थ्रेडिंग कैसी लग रही है वो भी बताना। बाकी मैंने बाकी तो ये देखो आंचल या नहा धोके बिल्कुल रेडी है सुबह के लिए, मतलब ना ही है सिर्फ ये देखो। हेलो आंचल, हेलो करना देखो जरा गाइस, इसको मेरे को मनाना पड़ता है। सो आंचल यहाँ बिल्कुल तैयार है। सो गाइस होप सो आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि सबसे पहले आपको